एमएस यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के केमिस्ट्री विभाग के छात्र 5HMF को सरल तरीके से बनाने के विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में इस विषय पर रिसर्च कर रही PhD की छात्र ध्रुवी पिटारिया ने इस रिसर्च के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया था कि 5HMF बनाने की प्रक्रिया वैसे तो काफ़ी खर्चालू है, मगर ग्लूकोज और गन्ने की पैरा की एसिडिटिक प्रक्रिया से 5HMF को आसानी से बनाया जा सकता है। ये 5HMF समझ पाना थोड़ा मुश्किल है साइंटिफिक लैंग्वेज में। सो बेसिकली मैं आपसे ये पूछूंगी ध्रुवी कि ये 5HMF क्या होता है एक्चुअली, उसको अगर सरल भाषा में कहा जाए तो। ऐसे सरल भाषा में नहीं, बट उसका केमिकल नेम है 5-hydroxymethylfurfural, जो एक प्रोडक्ट है जो ग्लूकोज या सैकराइड्स में से बनता है बाय डिहाइड्रेशन मेथड। सो हम 5HMF का यूज़ काफ़ी सारा उसमें है, और हम 5HMF इज़ जनरली एक्सपेंसिव, तो हम वो एक्सपेंसिव चीज़ को जो कूड़ा है उसमें से हम बनाने का ट्राई, वो पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है, तो जैसे लोग कूड़ा ऐसे फेंक ही देते हैं फिर वो स्मेल करता है ये करता है, सो उससे अच्छा हम वही शुगर केन वेगेस, जैसे मेनली मैं उस पर फोकस करती हूँ, तो हम उसको लेके उसका उसके उसके उसमें से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से सारे सैकराइड्स कलेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज में से हम 5-hydroxymethylfurfural बनाते हैं। 5-hydroxymethylfurfural का यूज़ होता है फूड फ्लेवरिंग एजेंट में, और वो ऐसे भी यूज़ होता है कि उसका वो फ्लेवर जो होता है उसको वो बरकरार रखता है, उसको मतलब वो डिटेरियरेट नहीं होने देता है, तो उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं। और जनरली वो ऐसे बहुत एक्सपेंसिव उसका प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें हार्ड कंडीशंस चाहिए होता है। सो हम क्या करते हैं कि हमारा जो कैटलिस्ट है उससे उसको लो टेम्परेचर या मतलब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर या 100-150 के टेम्परेचर पर हम उसको सिंथेसिस करने का ट्राई करते हैं फ्रॉम ग्लूकोज और वो सब। सो और आगे जाके भी एक सिकल सेल डिजीज है जो उसके उसमें भी वो काम आता है, कि काफ़ी सारी कफ सिरप्स में भी 5HMF होता है इसको, जैसे कि बच्चों को मतलब थोड़ा शुगर चाहिए होता है तो उसमें भी वो सब डालते हैं, और उसमें भी सिकल सेल डिजीज जो होता है उसमें भी उसकी दवाइयों में भी 5HMF होता है जो उसको सिकल सेल के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। साथ ही उन्होंने बताया था कि आने वाले भविष्य में इससे व्यावसायिक उद्योग में काफ़ी फायदा होंगे और इससे आर्थिक विकास भी बढ़ोतरी होगी। आगे जाके 5HMF से भी तुम काफ़ी सारा कन्वर्जन कर सकते हो, वो केमिकल बना के तुम फर्दर कन्वर्जन कर सकते हो जो सब बायोफ्यूल्स और उसमें यूज़ होता है। सो बेसिकली हम पूरे कूड़े में से काफ़ी सारे केमिकल्स ऐसे सिंथेसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब जैसे हमारे लैब में पहले भी ग्रीन केमिस्ट्री से शुरू किया है तो बायोफ्यूल्स और वो सब चल ही रहा है, तो उसमें हम लोगों ने ये बायोमास का शुरू किया है सो दैट कि हम इसमें से भी, जैसे कि कुकिंग ऑयल में से पहले किया था, अभी हम शुरू कर रहे हैं ये बायोमास जैसे कि कूड़े और उसमें से, सो दैट कि वो भी एक कमोडिटी केमिकल्स की तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है और इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री के सिद्धांत और उद्देश्यों से उन्होंने रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पर इस विषय को चुना है। उन्होंने बताया था कि आम जनता को भी इससे काफ़ी फायदे होंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में गन्नों की पराई जो कि एक प्रकार का कूड़ा है इसका उपयोग किया जा रहा है जो कि आसानी से उपलब्ध है। तो जो दूसरे सब केमिकल्स है वो काफ़ी तरीके से रूट से बना सकते हैं, लेकिन ये एक इजी रूट रहेगा क्योंकि हम इसमें बहुत पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमिकली भी ये इतना इसीलिए फ़ायदेकारक रहेगा कि ताकि तुम इंडस्ट्री तक लेके जा सकते हो इसको, और इंडस्ट्री को मतलब एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूट नहीं करेगा, तो इस तरीके से इकोनॉमिकली, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियली कोई प्रोसेस आप लेके जाते हो अगर उसमें भी आप बनाने के टाइम पे प्रोसेस में कुछ और पॉल्यूशन इतना बनता है कि उसको कवर अप करने के लिए तुमको पैसे डालने पड़ते हैं ज़्यादा, सो दिस इज़ द प्रोसेस कि उसमें आप थोड़ा ग्रीन केमिस्ट्री भी यूज़ करते हो और मतलब बायो कन्वर्जन्स है तो इट इज़ हेल्पफुल एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। पहले तो हमने सोचा था कि मतलब सीधा हम लोग अभी ग्लूकोज के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, देन ग्लूकोज को हम पहले शुगर केन में से एक्सट्रैक्ट करके ये सब करेंगे, और वैसे भी मेरे सीनियर्स लोग ये लैब में हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री करते ही है, तो ग्रीन केमिस्ट्री में पहले हम कुकिंग ऑयल, वेस्ट कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट करके करते थे सो दैट बायोडीजल और बायोफ्यूल्स बना सके, अभी हम शुगर केन वेगेस और ये सब बायोमास जो प्रॉपर बायोमास है उसको हम बायो प्लेटफॉर्म मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट बायो प्लेटफॉर्म मॉलिक्यूल्स से आगे हम और अच्छा केमिकल्स बना सके सो दैट वो भी इकोनॉमिकली वायबल हो। दर्शक मित्रों, जैसे कि हमें ध्रुवी ने 5HMF के बारे में बताया,
हमारे साथ मौजूद है ध्रुवी की रिसर्च गाइड जो कि उन्हें इस रिसर्च के लिए गाइड कर रही है। हम उनसे जानेंगे इस रिसर्च के बारे में। ओके, जैसे अभी मेरी स्टूडेंट ने बताया ध्रुवी ने कि जैसे वो 5-HMF कर रहे हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यूज़ करके, एंड देन फाइनली उसने ये भी बताया कि हम फाइनली बैगेज से करेंगे सेम प्रोडक्ट, हम वी विल सेपरेट द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड देन वी विल गो फॉर द सेम प्रोडक्ट्स। तो हमारा मेन एडवांटेज ये है कि हम वेस्ट यूज़ करेंगे और वेस्ट में से बेस्ट हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इट विल सेव लॉट ऑफ इकोनॉमी एंड दैट विल बी यूजफुल इन द वे बिकॉज वी आर यूजिंग द बैगेज, जो वेस्ट है रास्ते से हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसमें से हम वैल्यू एडेड केमिकल्स बनाएंगे।